हेलो फ्रेंड्स, अन एकेडमी क्लास 11th के बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच लेके आया है जो कि स्टार्ट होगी 28th ऑफ दिसंबर से। जी हाँ दोस्तों, मनोज चौहान सर इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। पीयूष सर है, ब्रजेश सर है, नीरज सर है और शरद कोठारी सर है। ये सभी लोग क्लास 11th के लिए, जो बच्चे भी इस साल 11th में हैं उनके लिए एक रिविज़न बैच लेके आ रहे हैं जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और आप इस बैच में ज्वाइन करके आपकी जो 11th की तो तैयारी कर ही लेंगे, साथ ही में अर्ली 12th की भी एक बैच होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो ये पूरी की पूरी टीम आपको पूरी मदद करेगी जिससे कि आप खुद को प्रिपेयर करेंगे जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 की एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों साथ ही में यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगा स्पार्क 2.0 बैच के बारे में, जो कि हमारी बंसल की टीम ले रही है, जिसमें समीर बंसल सर हैं, आरती बंसल मैम हैं, शाहनवाज सर है और एम ए हक सर है। इन लोगों ने भी आपके लिए एक नई बैच स्टार्ट की है। ये 21st से बैच स्टार्ट हो चुकी है और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में MCQ एक बैच है हमारी, MCQ 2.0 बैच, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रणीत सर, सुरेश सर, चंद्रशेखर सर, नितिन सर और मदमाला सर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो इन सब की बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेना होगा और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप हमारा प्रोमो कोड जो कि है पवन वाघ। यहाँ पर आपको पवन वाघ प्रोमो कोड यूज़ करना है। यहाँ प्लस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन कोई भी लीजिए, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जेई मेन्स और जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा। तो ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी बाई यूजिंग द प्रोमो कोड पवन वाघ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट। प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था आपका वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग का ग्राफ कैसे होता है, किस तरीके से आपको डेरिवेशन वहाँ आता है, वो सारी चीज़ें वहाँ उस क्लास में प्रूफ वगैरह सब डिस्कस हो चुका था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये। अब सेकेंड थिंग ये है कि हम लोगों ने वेपर प्रेशर लोअरिंग के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस नहीं किया था, तो इस क्लास में पहले हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टडी करेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से रिलेटेड टर्म्स को, डेरिवेशन को, प्रूफ को, रिलेशन को, वो सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इस पार्ट से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे या थेरोटिकल ओरिएंटेड। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हो स्टेट बोर्ड के, क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो प्रूफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मतलब आपको पूछा गया है कि बताओ रिलेशन क्या होगा लोअरिंग का, मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग का मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिलेशन होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या रिलेशन होगा। ऐसे रिलेशन आपको पूछे गए हैं और कहा भी गया है कि इन रिलेशंस का प्रूफ दो, इसलिए इन रिलेशंस की तरफ भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना आप न्यूमेरिकल के ओरिएंटेड पढ़ रहे हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेपर प्रेशर लोअरिंग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका न्यूमेरिकल नंबर और प्रॉब्लम नंबर 2.4 जो दिया है पेज नंबर 35 ऑफ योर नॉर्मल स्टेट बोर्ड 12th टेक्स्ट बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। लेकिन न्यूमेरिकल को देखने से पहले एक बार मैं आपको पुराने फॉर्मूलेज को रिवाइज करवा देती हूँ कि हम लोगों ने पुराने फॉर्मूलेज में क्या क्या देखा था। तो हम लोगों ने देखा था वेपर प्रेशर लोअरिंग को, और वेपर प्रेशर लोअरिंग में मैंने कौन से फॉर्मूले देखे थे। जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो था आपका ये वाला, डेल्टा पी अपॉन P1 naught इक्वल्स टू X2। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था डेल्टा पी अपॉन P1 naught, इस X2 को ही हम लोग N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, N2 अपॉन N1, और जो N2 था वो बहुत ज्यादा स्मॉल था। तीसरी चीज हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में ये भी देखी थी कि डेल्टा पी का ही मतलब क्या होता है, P1 naught minus P। तो अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, P1 naught minus P अपॉन P1 naught इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 है ना। और इस N2 अपॉन N1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो N2 का मतलब हम लोगों ने देखा था W2 अपॉन M2। डिस्कस किया था ये हम लोगों ने कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। N1 का मतलब क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ये सब डिस्कस हो चुका है प्रीवियस क्लास में।
अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस लेक्चर का पूरा कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो बस, और फिर लास्ट फॉर्मूला हम लोगों ने कौन सा डिराइव किया था, पी वन नॉट माइनस पी अपॉन पी वन नॉट इक्वल्स टू इस एन टू के जगह पे मैं डब्ल्यू टू अपॉन एम टू भी लिख सकती हूँ, और इस एन वन के जगह पे मैं डब्ल्यू वन अपॉन एम वन भी लिख सकती हूँ। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिराइव कर लिया था। अब आज हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वो डेरिवेशन जो था ना वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 2.4 को। चले आओ प्रॉब्लम नंबर 2.4 पे। प्रॉब्लम 2.4, ये प्रॉब्लम आपके पेज नंबर 35 पे। सबसे पहली चीज हमारा टेक्निक क्या है, गिवन डेटा और टू फाइंड। तो गिवन डेटा सबसे पहले मैं लिखूंगी, गिवन डेटा, और फिर मैं लिखूंगी टू फाइंड। गिवन डेटा आपको दे रखा है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे आपको ग्राम दिया है, तो मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि कहीं पे भी अगर आपको ग्राम दिख जाए तो आप समझ जाना कि उसका मतलब क्या दिया गया है, आपको मास, ठीक है। तो आपको मास दे रखा है, और मास वो भी किसका दे रखा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें एक चीज अच्छे से पता है कि कभी भी अगर आपको सॉल्यूट दे दिया जाए तो सॉल्यूट के लिए आप कौन सा वाला टर्म यूज करोगे, कौन सा वाला नंबर यूज करोगे, टू नंबर, और सॉल्वेंट के लिए आप कौन सा वाला नंबर यूज करोगे, वन नंबर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी ये यूज किया है, आप अपने मन से भी कर सकते हो, पर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली चलोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मास लिखा है, मास को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते, तो मैंने यहाँ लिखा है डब्ल्यू, लेकिन यहाँ है सॉल्यूट, और सॉल्यूट के लिए कौन सा टर्म यूज करना है, सेकेंड, इसलिए मैंने लिखा है डब्ल्यू टू। तो आपको वैल्यू दे रखा है 394 ग्राम्स। बिल्कुल ऐसे ही सिस्टमैटिकली लिखते चलना है, एक लाइन पढ़ी उसका डेटा लिख दिया जो भी दिया, उसके बाद आपको दे रखा है इन 622 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब वो आपको दे रखा है मास, क्योंकि वो भी ग्राम है, और वाटर, तो वाटर आपका क्या है, वाटर तो सॉल्वेंट है ना, तो वाटर के जगह पे मैं सॉल्वेंट भी लिख सकती हूँ, क्योंकि सॉल्वेंट ही आपका वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मास दे रखा है, मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा, डब्ल्यू, पर ध्यान देना कि यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग कौन सा वाला टर्म यूज करते हैं, फर्स्ट वाला, इसलिए मैंने लिखा है डब्ल्यू वन। इसका वैल्यू आपका आता है 622 ग्राम्स। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे रखा है। अब आप लोग खुद ही सोचो कि आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे रखा है, जब भी आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया जाता है तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, पी वन। मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि सॉल्यूशन के प्रेशर को हम लोग पी वन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और उसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 30.74 mm ऑफ एचजी। कोई भी प्रेशर का यूनिट दिया हो, अभी फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लास्ट में कहा गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब भी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब मुझे एक बात बताओ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो भी आपका वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट मतलब ही क्या है आपका, पानी, मतलब ही क्या है आपका, वाटर। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वन नॉट से, ठीक है, और वो वैल्यू आपको दे रखा है 31.8 mm ऑफ एचजी, और आपको कहा गया है कि डिटरमाइन करो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चले आओ, सबसे पहली चीज ये है आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वाले क्लास में मैंने बताया था कि वेट मतलब ही मास को आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, बट मॉलिक्यूलर मास को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एम से। अब यहाँ पे आपको दे रखा है सॉल्यूट, तो जब भी सॉल्यूट आता है तो हम लोग कौन सा वाला टर्म यूज करते हैं, दूसरा टर्म, इसलिए मैंने क्या लिखा है, एम टू। समझ में आ गया इतना, यहाँ मॉलिक्यूलर मास है, एम फॉर मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट है करके मैंने क्या लिखा है, टू। हम लोग बुक के कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू निकालना है। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी आपको सॉल्वेंट दे दिया जाए तो सॉल्वेंट में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, सॉल्वेंट प्योर होता है,
जीरो इम्प्योरिटीज, तो आप उसको याद रख सकते हो इस तरीके से P10, P10 naught, याद रहेगा ना, आप ये सॉल्वेंट होता है। अगर आपको यही नहीं पता फॉर्मूला पता है, बट अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। समझ समझ के चीजों को चलो, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है देखो, इधर फॉर्मूला कहता है P10 - P1 / P10 naught इज इक्वल्स टू W2 × M1 / M2 × W1। ये होता है आपका फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूले को एज इट इज मैंने देख के यहाँ लिख दिया है। चले आते हैं, देखो जिसको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वाला प्रेशर सॉल्वेंट का है, कौन सा वाला सॉल्यूट का है, अब आपको पूरा अच्छे से सॉल्व कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो गया कि जब जीरो आ जाएगा तो वो किसका रहेगा आपके, जीरो अगर आता है तो वो आपका रहेगा सॉल्वेंट का, मतलब ये पानी का। तो उसका वैल्यू कितना है 31.8 माइनस एम एम ओ फेज जी को अभी छोड़ दो, मैं बताती हूँ क्या होने वाला है उसका। P1 मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वैल्यू कितना दे रखा है 30.74, ठीक है। फिर आपको P10 का वैल्यू पूछा है, तो P10 का वैल्यू कितना है 31.8, बस मैंने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया है। चलो W2 का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, 2 मतलब सॉल्यूट, कितना वैल्यू दे रखा है 394। M1 का मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बताती हूँ उसका वैल्यू क्या आएगा। M2 आपको डिटरमाइन करने का है × W1, W1 मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट आपको कितना दे रखा है 622 grams। चले आओ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि आपको M1 का वैल्यू तो इसने दिया ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं पे अटक जाते हैं कि M1 का तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। तो अब देखो आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो M1 है, M1 का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 मतलब सॉल्वेंट और M है मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्वेंट यहाँ पे आपका कौन सा है, वाटर। तो अब आप लोग खुद सोचो, क्या एग्जामिनर सच में आपको सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास देना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस वाले क्लासेस में भी अगर देखा होगा 11th स्टैंडर्ड के, जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन पढ़ाया था कैसे करना है। जिसको प्रॉब्लम जाती है वो 11th वाला एक लेक्चर देख लो जो मैंने बनाया है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन। अगर आप वो कर लेते हो तो आप किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट एंड प्ले, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, सबको पता है, जिसको नहीं आता है वो वीडियो को एक बार देख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे M2 का वैल्यू निकाल सकती हूँ। देखो कैसे आएगा, M2 इक्वल्स टू 394 × 18 × 31.8 / 622 × बस इस टर्म को मैं नीचे लेके आ जाऊंगी तो क्या बचेगा 31.8 - 30.74। आप इस कैलकुलेशन को इजीली कर पाओगे, कर सकते हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका M2 का वैल्यू आता है 342 g/mol। आप इस वैल्यू को चेक कर सकते हो। आई होप ये डाउट आपका बहुत बेटर तरीके से क्लियर हुआ है। फिर से एक बार छोटे से शॉर्ट स्टेप्स में देख लेते क्या क्या देखा हम लोगों ने। सबसे पहली चीज मैंने जो देखी वो ये है कि P आपका प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं P1 लेती हूँ तो वो सॉल्यूशन का रहेगा, अगर मैं P10 लेती हूँ तो वो सॉल्वेंट का रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा होता है, प्योर विथ जीरो इम्प्योरिटीज, राइट। ऐसे याद रखने का तरीका था, M फॉर मॉलिक्यूलर मास, W फॉर वेट फॉर मास, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सॉल्यूट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है 2 नंबर से, और सॉल्वेंट को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया है 1 नंबर से, मतलब सफिक्स जो भी आपके नीचे में आएंगे ना सबस्क्रिप्ट, वो डिपेंड करेगा इन नंबर्स के ऊपर में, ठीक है। और इस फॉर्मूले को लिखेंगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल सिर्फ देख लेते हैं, उसका भी सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसको भी एक बार हम लोग क्लियर कट देख लेते हैं कि क्या है, क्या कंसेप्ट है, आप उसको कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.5, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने चाहिए इसलिए हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, 2 मिनट के अंदर में आप उसको सॉल्व करते बैठ सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको दे रखी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन आपको दे रखा है। अब आप लोग खुद सोचो, यहाँ पे प्योर वर्ड आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि क्या मेरा बेंजीन सॉल्वेंट है
या क्या मेरा बेंजीन सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्योर दे रखा है, तो एग्जामिनर ने प्योर से आपको आइडिया दे दिया है कि ये सॉल्वेंट है ना, क्योंकि सॉल्वेंट तो प्योर होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्योर बेंजीन दे रखा है, ठीक है, प्योर बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर दे रखा है। प्योर बेंजीन, प्योर मतलब क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट है ना, इससे आइडिया मिल गया। इसलिए मेरे को बस आइडिया देने का था, इसलिए मैं इस न्यूमेरिकल को ले रही हूँ। अब सेकेंड थिंग ये है कि अगर कभी भी आपको सॉल्वेंट आ जाए तो आप उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, P1 नॉट से, नॉट मतलब प्योर विथ जीरो इम्प्योरिटीज, ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको दे रखा है उसने 640 mm ऑफ Hg। दूसरी चीज उसने कहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्योर बेंजीन, उसने आपको दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्योर बेंजीन। अब आप लोग खुद सोचो कि बेंजीन है आपका सॉल्वेंट, और जब भी मुझे मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करना है तो मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगी, तो मैंने लिखा है एम। बट सॉल्वेंट अगर आ जाए तो मैं कौन सा वाला सफिक्स यूज करूंगी, वन, इसलिए मैंने लिखा है वन। कितना वैल्यू दे रखा है उसने, 78 g/mol, ठीक है। उसके बाद आपको कहा है उसने कि इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया जिसका मास 2.315 g है, तो आपको दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट जिसका वैल्यू है 2.315 g। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ये है आपका मास, और मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। अगर सोल्यूट आ जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, W2, क्योंकि टू नंबर देते हैं, चलो ठीक है। फिर आपको उसने कहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज, अगर आपको वेपर प्रेशर सोल्यूशन का दिया जाए, सोल्यूशन, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P1 से, और उसका वैल्यू आपको दे रखा है उसने 600 mm ऑफ Hg। अब आपको पूछा है उसने कि बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ही आपका मोलर मास होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। अब सुनो, मॉलिक्यूलर मास है तो हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एम से, एम फॉर मॉलिक्यूलर मास, एम फॉर मंकी मत बोलना अल्फाबेट में, एम फॉर मॉलिक्यूलर मास बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका सॉल्यूट, तो सॉल्यूट मतलब क्या होता है, सेकेंड नंबर, इसलिए मैंने लिखा है M2। तो ये आपको डिटरमाइन करना है, सेम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देख लेते हैं दो मिनट में। P1 naught minus P1 upon P1 naught, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, W2 into M1 upon M2 into W1। इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, आपको ये वाला टर्म, ये सब दे रखा है, ये आपको निकालना क्या है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अब आप सॉल्व कर सकते हो। एक चीज काम की सुनो, अगर उसने आपको कोई अजीबोगरीब वाला कंपाउंड दिया एज ए सॉल्वेंट जिसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको बहुत टाइम लगेगा, तो एग्जामिनर वो वैल्यू दे रखता है, देखो यहाँ 78 दिया। बट अगर आपका एग्जामिनर ने आपको सॉल्वेंट जो है वो पानी दिया है, मतलब वाटर दिया है, तो वो कभी भी आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा। एग्जामिनर वॉन्ट्स कि आपको मॉलिक्यूलर वेट कम से कम अपने पानी का या वाटर का पता होना चाहिए, 18 होता है, या तो बेंजीन था इसलिए दे रखा था, बट पानी के लिए नहीं दिया जाता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक को, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खूब इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार चीजें हैं, वेपर प्रेशर लोडिंग, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चार में से आपको कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन रिलेशन पे आएगा, इन चारों में से किसी का भी इसमें का रिलेशन पूछ लेंगे, 2 या 3 मार्क के लिए, स्पेशली 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कुछ भी नहीं देखा, अभी स्टार्ट करेंगे। देखो बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन, इसका नाम ही बहुत कुछ डिक्टेट कर रहा है। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। सबसे पहली चीज ये है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा बॉइलिंग पॉइंट खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपको यहाँ कहा गया है एलिवेशन, तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज, इंक्रीज और एलिवेशन ये दोनों एक ही टर्म्स है। सबसे पहली चीज ये है, ठीक है, ये फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं पहले। अब आप लोग खुद सोचो कि आपने अगर कोई भी एक लिक्विड को लिया है, जैसे मैंने कोई भी एक लिक्विड को लिया है, अगर आप इस लिक्विड को बॉइल करते हो, बॉइल करना मतलब उबालना, अगर आप इस लिक्विड को उबालते हो घर में गैस के ऊपर रख के या बॉइल करते हो तो क्या होगा, तो इस लिक्विड का कन्वर्शन इसके वेपर में होगा। बस जिसको ये चीज़ पता है ना वो इस टॉपिक को आराम से समझ सकता है। आई होप आप लोगों ने अपने घर में पानी गर्म किया होगा, और जब भी आप पानी को बॉइल करते हो गर्म करते हो गैस के ऊपर में तो उसमें से भाप निकलती है, उसी को हम लोग वेपर्स कहते हैं। तो लिक्विड का कन्वर्शन काय में होता है, वेपर में, जब मैं उसको बॉइल करती हूँ, है ना। बस वही वाली चीज़ है। आई होप अगर जिसको ये चीज़ समझ में आ गई उसको ये भी समझ जाएगा। चलिए आ जाइए, सबसे पहली चीज़ ये है, ध्यान से समझना। एक ऐसा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर, तो जो भी आपका वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर लिक्विड का, अगर वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हम लोग कब कहेंगे कि हमारा लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर रहा है, तो कब बोलेंगे हम लोग, जब उसका वेपर प्रेशर जो होगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और उस लिक्विड का जो प्रेशर है, अगर वो दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए, ठीक है, और जो टेम्परेचर पे वो दोनों प्रेशर इक्वल होंगे उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच The vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called as boiling point. तो ये हुआ पहले से इसकी boiling point होता क्या है। अब हम लोग study करेंगे boiling point का elevation क्यों नाम दे रखा है और boiling point का elevation कैसे हो रहा है। तो I hope कि ये चीज़ clear हो गई है, क्योंकि ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा important है। अब ये हम लोग को पता चलेगा कि कितना important है, ठीक है। So I repeat, एक ऐसा temperature जब आपका वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब स्टडी करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन को। उससे पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो सबसे पहली चीज, इस चीज को समझने से पहले हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे। हम लोग कंसिडर करेंगे एक बीकर को, ठीक है। उस बीकर में हम लोग डालेंगे सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट के अंदर में हम लोग ये भी डालेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और हम लोग प्रीवियस वाले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन वोलाटाइल किसको कहा जाता है, ऐसी चीज जो वेपराइज नहीं होती है, जो जैसी है वो वैसे ही रहती है, इसलिए उसका नाम क्या है, नॉन वोलाटाइल, मतलब वेपराइज नहीं होने वाला, इसलिए उसका नाम नॉन वोलाटाइल है ना। चलो ठीक है, आ जाते इधर। सबसे पहली चीज इधर देखना, ध्यान से समझना, जिसको ये कंसेप्ट समझ गया बाकी वो अपने आप ही कर सकता है। मैंने एक बीकर लिया है, मैंने यहाँ पे भी एक बीकर लिया है, ध्यान से समझते हैं। इस बीकर के अंदर में मैंने आपका प्योर सॉल्वेंट डाल दिया है, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट। इस बीकर के अंदर में मैंने पहले सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, और इस सॉल्वेंट के अंदर में मैंने आपके कुछ सॉल्यूट भी डाले हैं। ये जो रेड कलर के मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये है आपके सॉल्यूट, ठीक है, और ये है आपके सॉल्वेंट। और आपको पता होना चाहिए कि
कि जब भी आप सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को मिलाते हो तो उससे आपका क्या फॉर्म होता है? सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये क्या हुआ आपका टोटल में? सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आपने इसको भी हीट किया और आपने इसको भी हीट किया। अब आप लोग खुद सोचो, जब आपने इसको हीट किया तो जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल होना स्टार्ट होगा उसको हम लोग लिखेंगे टीबी से। टीबी से देखो, इधर ये हुआ इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने इसको भी हीट किया, ये भी बॉईल होना स्टार्ट होगा, है ना? तो इसको भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टीबी से। टीबी का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग समझो, ये प्योर है और जब भी हम लोग किसी भी चीज को प्योर लेते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज कुछ भी नहीं होती है, और हम लोग सॉल्वेंट को हमेशा प्योर लेते हैं विदाउट इम्प्योरिटीज, जीरो इम्प्योरिटीज। इसलिए मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? टीबी नॉट से। जैसे प्रेशर में किया था ना प्योर सॉल्वेंट के लिए नॉट ऊपर, वैसे बॉइलिंग पॉइंट के इसमें भी हम लोग नॉट ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉर सॉल्वेंट जो कि कैसा है? प्योर सॉल्वेंट। और ये हुआ आपका फॉर सॉल्यूशन। और टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब आप लोग खुद सोच के बताना कि जब आपने इसको बॉईल किया तो ये सारे के सारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। हाँ, अब इधर आ जाओ, जब आपने इसको हीट किया, जब आपने इसको बॉईल किया तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया, ये तो बॉईल होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो रेड कलर वाले आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ही कैसे नेचर के हैं? नॉन वोलाटाइल। कि इसके केस में आपको टेम्परेचर कैसा लगा? ज्यादा। इसके केस में आपको टेम्परेचर ज्यादा लगा सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए, इसके केस में आपको टेम्परेचर कम लगा सॉल्वेंट को बॉईल करने के लिए। इसका मतलब आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो क्या हुआ? ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर than the boiling point of pure solvent। अब आपके दिमाग में तो आ गया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट तो था ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ सॉल्यूट भी थे, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, मुझे दो दो चीज़ों को बॉइल करना है, सॉल्वेंट को भी करना है सॉल्यूट को भी करना है। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नेचर के है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कैसा रहेगा? ज्यादा। और सॉल्वेंट का कैसा रहेगा? कम। अब आप लोग खुद सोचो, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रही हूँ तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी मैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूँ तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या आ रहा है? बढ़ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब जब भी मैंने सॉल्यूशन के अंदर में, सॉल्वेंट के अंदर में अगर मैंने सॉल्यूट को डाला तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया ना? चलिए, तो इतना मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफिकली समझते हैं, बट ग्राफिकली समझने से पहले मैंने क्या क्या लिखा इधर देखो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्वेंट को लेती हूँ और अगर मैं राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन को लेती हूँ तो मैंने यहाँ ये देखा कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पी वन नॉट से। सॉल्वेंट के लिए नॉट यूज करते हैं, सॉल्यूशन के लिए पी वन है ना। और टेम्परेचर के लिए मैंने क्या बताया? बॉइलिंग पॉइंट के लिए टीबी, यहाँ पे भी टीबी, और सॉल्वेंट आ जाए तो ऊपर में नॉट। फिर मैंने एक और चीज क्या देखी कि वेपर प्रेशर के केस में उसका नाम ही क्या कह रहा था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसका मतलब जब भी मैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रही थी तो मेरा वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज। इसलिए उसका क्या नाम था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट बॉइलिंग पॉइंट में मैंने क्या सुना है? इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब भी मैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाती हूँ तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। समझ में आ गया ना? तो ये कोरिलेशन हमने ऑब्टेन किए। अब इन कोरिलेशन को देखते हुए हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। चलिए
अगर मुझे ग्राफ को स्टडी करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्राफ को रट जाते हैं क्योंकि ग्राफ उन्हें समझ में नहीं आता है। बट हम लोग अगर इस ग्राफ को ध्यान से समझेंगे कि ग्राफ में एक्चुअली करना क्या है, ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट करने का है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट करने का है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करोगे टेम्परेचर को। सबसे पहली चीज ये है, ध्यान से समझना क्योंकि ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर समझ गए तो आप पूरी थ्योरी अपने मन से लिख सकते हो। अगर मैं बात कर रही हूं सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की, ठीक है, ये हुआ आपका सॉल्वेंट और ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, आपने क्या देखा कि आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे, ये है आपका सॉल्वेंट और ये है आपके वेपर प्रेशर का वैल्यू। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा है? देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज ऑब्जर्वेबल है कि सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या है, कम। तो ये है आपके सॉल्यूशन का कर्व, सॉल्यूशन का ग्राफ। तो आपका यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, कम। तो आपका वेपर प्रेशर देखो नीचे में है और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऊपर है। तो हो गया ये फर्स्ट वाला प्रूफ। चलिए आ जाओ सेकेंड वाले इसमें। अब देखना ध्यान से, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन है आपके किसके लिए है, ये वाला लाइन जो है, ये लाइन क्रॉस कर रहा है सॉल्वेंट को, इसलिए ये चीज है आपके सॉल्वेंट के लिए। ये वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, ये वाला लाइन आपके सॉल्यूशन के कर्व के इंटरेक्शन से आ रहा है, सॉल्यूशन के, इसलिए ये लाइन किसके लिए रहेगी, सॉल्यूशन के लिए। कुछ भी नहीं करना है, देखो अगर सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से लाइन ऑप्टेन हुई तो सॉल्वेंट लिखेंगे, सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से लाइन ऑप्टेन हुई तो सॉल्यूशन लिखेंगे। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब इसका प्रूफ समझते हैं, देखना ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। देखो इधर ये चीज प्रूव होती है या नहीं होती है, अगर आप टेम्परेचर की एक्सिस में देखते हो तो क्या आपसे प्रूफ हो गया आपके सामने, देखो कि जो टेम्परेचर है आपके सॉल्यूशन का उसका वैल्यू ज्यादा है, दिख रहा है ना, ये वैल्यू ज्यादा है। और जो वैल्यू है आपके बॉइलिंग पॉइंट का, मतलब ही टेम्परेचर का, प्योर सॉल्वेंट के लिए, वो वैल्यू कैसा है, कम है, इसलिए देखो ये वाला वैल्यू पीछे में आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू कैसा है, कम। तो सॉल्वेंट के लिए आपका जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है, और सॉल्यूशन के लिए आपका जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो इस कर्व ने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इस कर्व ने आपको प्रूफ करवा के दिखाया कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का वो बड़ा होता है सॉल्यूशन से, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो बड़ा होता है सॉल्वेंट से। ये चीज हमें इस कर्व से प्रूव होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।